हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अर न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरा मॉडलिंग डे और मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। तो मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो ली, फिर उसके बाद ये रहा मेरा सारा मेकअप। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो ये आ गई मैं स्टेशन और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने वाली थी। तो ये टेंटेड है, ये आज कितनी क्यूट लग रही है क्योंकि आज इसका बर्थडे भी है, इसलिए इसने बस प्रिंसेस जैसी ड्रेस पहन रही। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हावड़ा स्टेशन। इससे संभाला नहीं जा रहा इसका ड्रेस, सारा का सारा छोड़ा तो चलो फटाफट जाना है, हम लोग को बस भी पकड़ना है। तो हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद हम पहुंच गए हावड़ा, यहाँ पे हम लोग को बस पकड़ना था। इतने हेवी ड्रेस के साथ ये 3 से 4 बार गिरते गिरते बची है, मेरे को कैसे संभाल संभाल के इसको लेके जा रही थी मैं। फिर इसके बाद हम बैठे बस में, फिर पहुंच गए जहाँ पे मेरे को मॉडलिंग करना है। ये है उसका फैशन डिजाइनिंग का क्लासेस जहाँ पे वो करती है, यहीं पे आज इसका एग्जाम से कि इसका कैसा होने वाला है ड्रेस और मॉडल जो है वो कैसे शो कर सकती है। तो मैं बनी हूँ इसकी मॉडल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी थी। और आज था ना पार्टी, था हॉरर थीम के ऊपर। तो ये यहाँ पे मैं पहुंच गई पर चलो फटाफट से पहन लेते हैं फर्स्ट ड्रेस। ये मैंने पहन लिया फर्स्ट ड्रेस। ये ना मेरे को थोड़ा सा ढीला था तो यहाँ पे स्टिच कर दिया उन्होंने कि थाई, ताकि मेरे को अनकंफर्टेबल फील ना हो। और ये ऊपर वाला जो टॉप है ना, इस पे इतने सारे सेलो टेप मुझे लगाए हैं ना हर्षा ने, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये ना स्टिच नहीं की थी इसको, तो इसको बॉबी पिन से अटैच किया गया था। तो मैंने पहन लिया ज्वेलरी जो इसके साथ मैच था, फिर मेरा हो गया मेकअप फटाफट से। ये फिर जब मेरा मेकअप हो रहा था तो मैंने किया विशु को वीडियो कॉल दिखाने के लिए कि देख बुड्ढा मेरा मेकअप हो रहा है। तो इसने बोला वाओ मॉडल मॉडल करके मेरे को बस चिढ़ा रहा था। तो मैंने इसको बताया कि यहाँ पे ना बहुत सारे सेलो टेप लगाया मेरे को। फिर बारी थी हेयर स्टाइलिस्ट की कि कैसे हेयर स्टाइल करना है। तो ये जो मेकअप कर रही थी ना मेरा, उसी ने मेरा कर दिया हेयर स्टाइल भी, मतलब बहुत क्यूट लग रही थी ये देखो। मैंने फिर किया विशु को वीडियो कॉल और दिखाया, देख बुड्ढा कितनी क्यूट क्यूट लग रहे हैं। उसने भी, उसका रिएक्शन बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये बोल रही है कि मैं परी नहीं दिखती, कैसे आप लोग बताओ मैं परी हूँ सिर्फ मेकअप के वजह से। तो फैमिली पता है मेरे साथ हो गया था यहाँ पे चीटिंग, क्योंकि मेरा था 4th नंबर पे और मुझे मैम ने भेज दिया 1st नंबर पे और मेरी पार्टनर भी चेंज कर दी मुझे। और मैं यहाँ पे ना गिरते गिरते बची थी, मैंने कुर्सी भी हल्की सी टूटी हुई थी। फिर मैंने किया अपना पोजेस वगैरह जो मेरे को पार्टनर उसी समय, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, जब मुझे बुलाया गया तब मुझे पता चला कि मेरी पार्टनर भी चेंज है। फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे किया मॉडलिंग वगैरह कि मुझे कैसा कैसा पोज वगैरह देना है। तो मैंने वो जो कैमरामैन थे ना वो भी मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पोज हो, तो वैसे वैसे मैं दे रही थी काफ़ी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। फिर मेरा हुआ सोलो शूट वगैरह, तो मैंने कर दिया थोड़ा सा सोलो शूट वगैरह। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये देखो मेरा यहाँ पे देखना आप लोग कितना सारा सेलो टेप मेरे को लगा हुआ है यहाँ पे, देखो दिख भी रहा है, इतना ज़्यादा मेरे को दर्द हो रहा था ना, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। कर लिया ना बहन? फिर वहाँ का सारा सूट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे, अपना सारा का सारा जो हेयर्स वगैरह था वो ओपन करी थी क्योंकि मुझे पहनना था 2nd ड्रेस। तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा इसने मज़ा लिया है मेरा, सिर्फ एक एक सेलो टेप ऐसे ऐसे उतार रही थी, इतना दर्द हो रहा था ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। सब मस्ती वस्ती करने के बाद मैं अपने पहन लिया अपना 2nd ड्रेस। ये यहाँ पे बेल्ट लगा रही थी मुझे, फिर ये रहा उसकी ज्वेलरी, वो मेकअप वही चल रहा था, इस पर शूट कर रहा था। तो मैंने वापस से मेकअप वापस नहीं करवाया, बस मैंने हेयर डिज़ाइन वगैरह करवा ली। इसके साथ था मान टीका, तो मैंने मान टीका लगवाया जो, फिर उसके बाद उसने अच्छे से मेरा हेयर जो है वो सेट कर दिया। फिर मैंने क्या विशु को वीडियो कॉलर दिखाया कि मैं कैसी लग रही हूँ, उसको मैं बहुत क्यूट लग रही थी। तो अभी था शूट में टाइम, तो उसके बाद मैंने दिखा दिया आप लोग को, ये देखो ये है फुल ड्रेस जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनाया और कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये तो इतना नहीं, थक गए हम तो, दूसरा ड्रेस पहन ली।
ये तो हमेशा थक गए। फिर आ गई मेरी बारी और मैं गई वहाँ पे पोजेस वगैरह करने के लिए। और जब मैं पोजेस वगैरह कर रही थी ना, तो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उससे ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो थोड़ा सा बढ़ा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ना। फिर सर का सर कंप्लीट करके मैंने ये विशु को वीडियो कॉल, क्योंकि मैं कुछ खा के नहीं निकली थी। उसने पूछा खाना खा लिया, तो मैंने बोला कि सबका कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद हम लोग साथ में खाएंगे। फिर उसके बाद उसने बताया कि एली की हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से वो कांपने लग रही थी, क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रहा था। मैं आ गई टेंशन में, मैंने बोला क्यों? फिर उसने बोला कि क्या पता अचानक से हो गया। फिर मैंने उसको बताया कि कम्बल उम्बल से लपेट के अच्छे से रख, तो वो सो गई थी। बोले चलो बढ़िया है, सारा हो जाए। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड को मिला सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत अच्छा किया था इसलिए। फिर उसके बाद हमारी हो गई यहाँ पे पार्टी, यहाँ का पार्टी वगैरह हो गया था कंप्लीट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे आ गया था विशु मेरे को लेने के लिए, बाय बाय।